की दाल पर, और हजूर मोहताज नहीं है हमारे जलसों के, बेशक रहमत कोने पर एहसान नहीं है कि हम आपका जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र बुलंद हो रहा है, ऐसा नहीं। और ना सरकार अलैहिस्सलाम मोहताज है हमारे जलसों के, ये खुदा और मुस्तफा की अता है। मेहरबानी है, ये महज उसकी अता है कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमा दी कि हम इस लम्हे इस पहाड़ी की चोटी पर इस अजीम शख्सियत के जवार में इस तारीखी मकाम पर उसका जिक्र कर रहे हैं। ये इस पूरे खित्ते में ये सबसे पुरानी जगह है, ये सबसे पुरानी आबादी है, ये सबसे पहली आबादी है, लेकिन इस पूरी कायनात में जो सबसे पुराना जिक्र है या खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तो मिसाल है, मकाम है तो बेमिसाल है, सीरत है तो बेमिसाल है। हुस्न की बात करें तो असाम बिन साबित फरमाते हैं कि ऐसा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं क्योंकि किसी माँ ने जना ही नहीं। ये शेर न मदनी साहब का है न मेरा है, ये शेर उसका है जिसने सामने बैठ के मुस्तफा को देखा है, जिसने सामने बैठ के रहमत कौलैन को देखा है। अब जो सामने बैठ के कह रहा है आप जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा क्योंकि किसी माँ ने जाना ही नहीं, 1400 साल बाद वाला ये कहे कि हमारी मिसल है तो इनकी माने या हसान की माने, ये झूठ बोल सकता है हसान सच्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सच्चा है इसलिए कि उसने जलवे देखे हैं। और ये वो है कि जिसे सरकार ने खुद फरमाया है, कुछ लिखा है तो सुनाओ। क्या बात है आदरणीय मोहतरम, अगर किसी शायर को ये कहा जाए कि कोई कलाम अता करे, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, बदलाव से सीखता रहता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, शायर का की सबसे बड़ी दौलत ये होती है कि कोई शेर सुन के उसे दाद दे। शायर ज्यादातर कंगाल ही होते हैं, वो अपनी शेर पर तो पैसे नहीं कमाते, ज्यादातर कंगाल ही होते हैं। उसका उसकी सबसे बड़ी दौलत ये होती है कि वो शेर सुनाए और कोई बजने में कह दे वाह क्या कहे। और आपने देखा होगा मुशायरा कि इधर वजीर आजम बैठा हुआ हो ना, सदर पाकिस्तान बैठा हुआ हो, अगर इधर से वाह हो जाए तो शायर पूरा इधर उठता है और फिर उस बंदे को यूं करता है, यूं करके उसका शुक्रिया अदा करता है। मैं नहीं कह सकता यहाँ, कोई तो मिसाल नहीं दे सकता, मैं यहाँ कोई तशबीह भी देने के यानी दे ही नहीं सकता, तशबीह बनती नहीं है, मिसाल बनती नहीं है, लेकिन कहे बगैर रह नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि हसान ने शेर सुनाया होगा तो रहने रखते कौनैन ने जब दाद दी होगी तो उस दाद पे हसान कितना इतराया होगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक।